केंद्र सरकार छात्र छात्राओं के हित में काम कर रही है, यह बात उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उज्जैन आलोट सांसद अनिल फिरोजिया ने भाजपा संभाग के कार्यालय में मीडिया कर्मियों से चर्चा की और जानकारी दी कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बेहतर निर्णय छात्र हित के लेकर काम कर रही है और छात्र छात्राओं की कई प्रकार से मदद कर रही है। छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा ग्रहण करने के दौरान परेशानी ना हो, इसको लेकर केंद्र सरकार की योजना के माध्यम से लाभ पहुंचाने का काम कर रही है ताकि छात्र छात्राएं केंद्र सरकार की योजना का लाभ लेकर पढ़ाई कर सके। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। ऐसे अनुसूचित जाति के बच्चे जो 10वीं क्लास के बाद जिनके आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो पढ़ नहीं पाते और जिनके माँ बाप बहुत विरक्षित हैं, उनको पढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने छात्रवृत्ति को जो बढ़ा के उनको छात्रवृत्ति देने का प्रावधान करा है। इसे हमने 1,34,00,000 बच्चों को चिंतित करा पूरे देश में जिनका हम छात्रवृत्ति देंगे ताकि बच्चों को 10वीं क्लास के बाद है उनको चाहे वो या वो चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें या टाइपिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, उनको रहने खेलने की भी व्यवस्था छात्रवृत्ति के माध्यम से केंद्र सरकार कर रही है। आगामी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 59,48,00,000 रुपये का प्रावधान रखा गया है जिसमें 60% केंद्र सरकार का रहेगा और 40% राज्य सरकारों का रहेगा। DBT के माध्यम से ये पैसा सीधे उन छात्रों के खाते में जाएगा जिससे उनको सीधा लाभ मिलेगा और वो पढ़े और आगे अपने जो भी कोर्स लेना चाहते हैं उसको वो कंप्लीट करें और उनका जीवन और स्तर सुधरे, ये प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा है। वैसे तो देखा जाए तो 1944 से ही छात्रवृत्ति चल रही है, लेकिन इसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए अगर 13-14 का परसेंटेज देखें तो 17.1% था, लेकिन 18-19 को देखेंगे माननीय मोदी जी के प्रयासों से, केंद्र सरकार के प्रयासों से इसका परसेंटेज 23% हुआ है। तो यह प्रयास भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कर रही है जिससे अनुसूचित जाति के बच्चों को आगे बढ़ाया जा सके। माननीय सांसद जी, आपके संसदीय क्षेत्र में काफ़ी बच्चों के छात्र छात्राओं के फार्म पड़े हुए हैं, किस प्रकार से उनको मतलब इसमें योजना को लाभ दिया जाएगा और क्या रहेगा, क्योंकि आपको ऑफिस इसी योजना के अंतर्गत सामाजिक एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा ही उन बच्चों को चिन्हित करके उनको छात्रवृत्ति देकर पढ़ाने का काम केंद्र सरकार कर रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।